हेलो एवरीबॉडी, पारुल की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी एंड इजी रेसिपी, दैट इज़ दही चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए। मैंने 2 kg ऑफ चिकन लिया था। 1 to 2 bowl ऑफ कर्ड चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बाउल। 1 teaspoon ऑफ जीरा पाउडर, 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर, 1 teaspoon ऑफ देसी मिर्च, 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले दही को फेंट के थिन बना लेना है। आप स्पून से भी फेंट सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने 2 kg ऑफ चिकन में 1 bowl ऑफ कर्ड ऐड कर दिया। देन वी विल ऐड सम मसालास। 1 to 2 teaspoon ऑफ सॉल्ट वी विल ऐड। देन वी विल ऐड 1 teaspoon ऑफ जीरा पाउडर। देन वी विल ऐड 1 teaspoon ऑफ देगी मिर्च। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा गाइस, और ना ही ये इतनी स्पाइसी होती है, इट हेल्प्स इन गिविंग अ कलर। एंड देन 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर वी कैन ऐड एंड 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। यू कैन मिक्स विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, जो भी आपके पास कलची अवेलेबल है, हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 1 to 1.5 bowl ऑफ कर्ड भी ऐड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बाउल। आई क्लियर इट पहले भी। तो सबसे पहले इसको मिक्स करने के बाद हमें मैरिनेट करना है इसको 1 hour के लिए। देन हमने इसका तड़का बनाना है। उसके लिए मैंने कढ़ाई में बनाया था इसको। 3 onions चॉप कर लिए हैं, 3 tomatoes मैंने लिए हैं, उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है विथ 3 teaspoon ऑफ कर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर 2 to 3 tablespoon ऑफ ऑयल ऐड करना है। देन वी विल ऐड 1 teaspoon ऑफ क्यूमिन सीड्स। हम जीरा ऐड करेंगे जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा। 2-3 minutes के बाद मैंने ड्राई मसाला ऐड किए थे। मैंने 4 long लिए थे और 1 बड़ी इलायची ली थी, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। देन आई एडेड 3 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट भून हो जाएगी तो हम अपने अनियंस ऐड करेंगे। 3 onions मैंने चॉप कर लिए थे छोटे छोटे। सो व्हाट गाइस, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है, तो मैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं रखूँगी, मैं अपने अनियंस को गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो यू कैन ऐड अ स्प्रिंकल ऑफ सॉल्ट। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम अपने टोमेटोज और कर्ड की प्यूरी बनाकर उसको ऐड कर देंगे। देन वी विल ऐड द मसालास। 1 to 1.5 teaspoon ऑफ सॉल्ट, देन 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर एंड 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक पाउडर। ये ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और वेट करेंगे जब तक हमारे मसाला जो हैं भूनते हैं अपने अंदर कढ़ाई के अंदर। देन जब हमारे मसाला भून जाएंगे आफ्टर 3 to 4 minutes हम अपना चिकन ऐड कर देंगे गाइस। इसमें हमने कोई वाटर नहीं ऐड करना, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप 3 tomatoes के साथ 3 teaspoon ऑफ कर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्राइंडर में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। ये देखिए, चिकन को मिक्स कर देना है अच्छे से। देन मैंने अपनी कढ़ाई की लिड को कवर करके इसको हाई मीडियम फ्लेम पे कुक करना है फॉर 30 minutes। आफ्टर 30 minutes ये देखिए इस तरह से कलर आएगा। देन हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर 2 ingredients और ऐड करेंगे। 1 is 1 teaspoon ऑफ गरम मसाला एंड 1 to 2 teaspoon ऑफ बटर। वो ऐड करने के बाद हम 10 मिनट्स इसको हाई मीडियम फ्लेम पे ओपन लिड के साथ कुक करेंगे। आंडा दही चिकन इज रेडी। यू कैन गार्निश इट विद कोरिएंडर लीव्स। इट वाज वेरी गुड। आई होप यू लाइक इट। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।